कर्नल सुमन दत्ता हूँ, यहाँ पे बालेश्वर में पोस्टेड। ये आटोपुर के लोगों ने जो यहाँ का आज में जो आज प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल, सर्विंग डिफेंस पर्सनल, उनको बुला के उनका सम्मान किया, इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। और ये एक बहुत बड़ा यूनिक प्रोग्राम है जो जो जवानों को देश के जनता के साथ मिलाता है। जवानों को इतना मौका नहीं मिल पाता है, जो फर्स्ट हैंड लव एंड अफेक्शन मिलता है लोगों से, वो ऐसे ही एक मंच होता है, ऐसे एक सभा होता है जिसमें लोगों को किसान को मिलने का मौका मिलता है। एंड द पीपल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिफेंस पर्सनल हु हैव अटेंडेड दिस फंक्शन, आई कन्वे माई ग्रेटिट्यूड एंड माई यू नो थैंकफुलनेस फॉर द लव एंड अफेक्शन जो ये आर्टपुर के लोगों ने हमें दिया है, हमें सम्मानित किया है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, बहुत हो गया। हम आशा करते हैं कि यहाँ के लोग आके डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। मु राइफल वुमेन कुनमुनी जेना, मु आसाम राइफल रे चाकरी करती पारामिलिटारी फोर्स रे। मु बहुत उत्साहित अच्छी, आम गाँव में प्रोग्राम होती केवी एमती मुझे कौटी देखी ना, आज मुझे देखिकी मो बहुत प्राइड फिल कर बहुत खुशी अच्छी। आज झील पिला गर्व अनुभव कर समाज कौन कह झील पिला ठीक अच्छे सैनिक हवा निहाते दरकार, देश सेवा भी करवा निहाती दरकार। आम भारत भूमि रे जन्म होइछ माने भारतर गोटे कौनसी भी किसी काम करके देश रे गर्व करबा निहाते दरकार। आउ मो पाई भी मो फैमिली बहुत प्राउड फील करछन्ते, मु भी बहुत खुशी अछि। मु शर्मिष्ठा नायक ओडिशा पुलिस बालेश्वर हेडक्वार्टर रे आछि। आम गाँव में जो भाई युव समाज को लेकिन सम्मानित करागला कि अन्य मानकु देश सेवा एवं पुलिस एवं आर्मी बीएसएफ आसाम राइफल एमती डिफेन्स लाइन रे आगे बढ़ापी सम्मानित करथिबारु आम निजक गर्वित मन करछे। आउ एमती सेमानंकु एनकरेज करिवा द्वारा सेमाने मध्य आगु को उन्नति करिवे। जद्रु प्रभुष जो माने डिफेंस पर्सनल, पुलिस पर्सनल, जो माने फॉरेस्ट को अछंती मध्य सही सब डिपार्टमेंट रे चाकरी करथिबा व्यक्तित्व मानंकु संवर्धना करिवार गुटे प्रयास आमे जारी करथिलु। एहा द्वारा भविष्यत पीढ़ी इन्स्पिरेशन पाइबे देश मातृकार सेवा करिवा पई, सेथि जुगु ए कार्यक्रम करा जाइछ। मु प्रकाश नायक, आम ग्राम जो आटपुर ग्राम जो सैन्य मान उत्साहित कर मत बहुत गर्व लगुच। मु भी दिन बड़ हेले जो सैनिक हाबी बोली चाहूँ। मु रंजिता नायक, आम घर आटपुर, आज जो गाँव रे शर्मिष्ठा नायक ओडिशा पुलिस बालेश्वर हेडक्वार्टर रे आछि। आम गाँव में जो भाई युव समाज को लेकिन सम्मानित करागला कि अन्य मानकु देश सेवा एवं पुलिस एवं आर्मी बीएसएफ आसाम राइफल एमती डिफेन्स लाइन रे आगे बढ़ापी सम्मानित करथिबारु आम निजक गर्वित मन करछे। आउ एमती सेमानंकु एनकरेज करिवा द्वारा सेमाने मध्य आगे को उन्नति करिवे। Thank you.
ରାଇଫଲ ଓମେନ୍ କୁନମୁନି ଜେନା ମୁଁ ଆସାମ ରାଇଫଲରେ ଚାକିରି କରିଛି ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି, କେବେ ବି ଏମିତି ମୁଁ କେବେ ବି କେଉଁଠି ଦେଖିନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି, ସୈନିକ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଦେଶ ସେବା ବି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ମାନେ ଭାରତର ଗୋଟେ କୌଣସି ବି କିଛି କାମ କରିକି ଦେଶରେ ଗର୍ବ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ଜୟ କୁମାର କର, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଆଟପୁର। ଏଠି କେବଳ ଯଦୁରୁ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନେଲ, ପୋଲିସ ପର୍ସନେଲ, ଯେଉଁମାନେ ଫରେଷ୍ଟରୁ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଜାରି କରିଥିଲୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପାଇବେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତିଆରି କଲୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଠ ହେଲା କହୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣେ ଜଣେ ମିନିମମ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଭାରତୀୟ ଦେଶ ସେବା କରୁଥିବା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ଦିନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ହେବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଭାବୁଛି ସୈନ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା। ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଟପୁର ଗାଁର, ଦେଖିବାକୁ ରହୁଛି କେମିତି ଗହଳି ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସମାଧାନ ଦିଆହେଉଛି।
आटपुर गाँव देखे कर्नल सुमन दत्ता हूँ, यहाँ पे बालेश्वर में पोस्टेड। ये आटोपुर के लोगों ने जो यहाँ का आज में जो आज प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल, सर्विंग डिफेंस पर्सनल, उनको बुला के उनका सम्मान किया, इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। और ये एक बहुत बड़ा यूनिक प्रोग्राम है जो जो जवानों को देश के जनता के साथ मिलाता है। जवानों को इतना मौका नहीं मिल पाता है, जो फर्स्ट एंड लव एंड अफेक्शन मिलता है लोगों से, वो ऐसे ही एक मंच होता है, ऐसे एक सभा होता है जिसमें लोगों को किसान को मिलने का मौका मिलता है। एंड द पीपल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिफेंस पर्सनल हु हैव अटेंडेड दिस फंक्शन, आई कन्वे माई ग्रेटिट्यूड एंड माई यू नो थैंकफुलनेस फॉर द लव एंड अफेक्शन जो ये आटपुर के लोगों ने हमें दिया है, हमें सम्मानित किया है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। और जो उनका एक और जो दूसरा मकसद था कि हम वो लोकल लोग बच्चे डिफेंस फोर्सेस को देखें, वो डिफेंस फोर्सेस के साथ ये जो मेल मिलाप है इनको देख के, कोई अगर इस गांव से, इस एरिया से अगर देश के लिए सर्विसेज में ज्वाइन करे, ये हमारे लिए हम बड़ी बात होगी। हम ये आशा करते हैं कि यहाँ के लोग आके डिफेंस फोर्सेज में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। आ
सान भाई श्रीजुक्त गौरव आज मुख्य अतिथि दत्त सार मंच वयोज्येष्ठ व्यक्ति बसी मो दत्त सार मुझे घूमिष्ठ प्रदान कर समस्त मन को किए आनंद परिचित करेंगे Thank you.